एक बार फिर दृष्टि आ गई है बुलबुल की जिंदगी में, और इस बार ऐसा लगता है कि दृष्टि के इरादे बुलबुल को लेके काफी खतरनाक है, क्योंकि दृष्टि ने अपना पहला कदम भी घर में नहीं रखा है और बुलबुल पे लगा दिया एक बड़ा इल्जाम। होता ये है कि गृह प्रवेश के दौरान बुलबुल दृष्टि के सामने कुमकुम की थाल रखती है, जिसमें पैर डाल के दृष्टि को अपना गृह प्रवेश करना होता है। लेकिन दृष्टि जैसे ही उस थाल में पैर डालने वाली होती है, वो देखती है कि उस थाल में कांच के कुछ टुकड़े पड़े हैं। वो उन कांच के टुकड़ों को हाथ में लेती है और पूरे घर वालों को दिखाती है कि कैसे बुलबुल उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। दृष्टि बुलबुल से कहती है कि भले ही बुलबुल उससे नफरत करती है, लेकिन वो ये कैसे भूल सकती है कि दृष्टि उसकी सगी बहन है। खैर, विशेष और वीर में कहा सुनी हो जाती है जब विशेष कहता है कि बुलबुल को दृष्टि से माफी मांगनी पड़ेगी। वीर पहले तो मना कर देता है, लेकिन बुलबुल के समझाने पे वीर शांत हो जाता है। आखिरकार दृष्टि की चाल कामयाब हो जाती है, क्योंकि बुलबुल दृष्टि से माफी मांग लेती है। खैर, ये बात अलग है कि वो कांच के टुकड़े बुलबुल ने नहीं बल्कि दृष्टि ने ही उस थाली में डाले होते हैं और बुलबुल को फंसाया होता है। अब देखना ये होगा कि बुलबुल दृष्टि के इन चालों से अपने आप को कैसे दूर रख पाएंगी। फाइनली दृष्टि की एंट्री हो चुकी, गृह प्रवेश हो चुका है, आपका एक एग्जाम भी लग चुका है, सो क्या ये सीन में एग्जैक्टली चल रहा है बुलबुल? और एक्चुअली सबसे अच्छी बात बुलबुल के लिए ये कि अब उसकी पूरी फैमिली भी जानती है कि बुलबुल गलत नहीं है, उसके इंटेंशंस पे प्रॉब्लम नहीं है उसके, तो उसे पता है कि अभी उनकी बहन आ गई है जो थोड़ी सी है मतलब अड़ियल टाइप्स, वो करेंगी ये सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए बुलबुल। लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम पर वो खुद भी बहुत हिली हुई है, बट एक उसका जो टेक है वो ये है कि मैं तो बहुत हिली हुई हूँ बट पूरा परिवार हिला है, तो उन्हें तो मुझे भी संभालना है, मुझे ही संभालना है बिकॉज ये मेरा परिवार है। तो वो उस थॉट प्रोसेस से चल रही है इस टाइम पर, वो देख रही है कि उसको सब पता है कि उन्होंने डाला है, बहन तो बुलबुल की है, देख लिया है बुलबुल ने कि वो ऐसे करती ही हैं उनके साथ, तो उसने देख रखा है कि हाँ ये मतलब ये चीज़ें कर रही हैं और बुलबुल के खिलाफ चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। बट उस टाइम पर शांत करने के लिए वो उस चीज़ को सॉरी वॉरी बोल के ख़त्म कर रही है, बट देखते हैं फिर वो क्या कैसे करती है, क्योंकि इस सिचुएशन में अंदर ही अंदर उसकी भी एक सैडनेस है, अंदर ही अंदर वो भी हिली हुई है, बट वो कैसे इस सिचुएशन को टैकल करेगी पॉजिटिविटी के साथ, आई थिंक वो आपको देखने मिलेगा। अपकमिंग एक्सपेक्ट, आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि वो फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रहती हैं, अब पता नहीं कैसे क्या होगा, हम खरे उतर पाएंगे या नहीं, बट हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूँगी, मैं इस टाइम पे ये सारी चीज़ों को सरप्राइज रखना चाहूँगी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें हमारे ट्रैक्स को और पसंद भी करें उन ट्रैक्स को। तो या प्लीज़ जस्ट कीप वॉचिंग एंड जस्ट कीप सारा प्यार दीजिए हमारे शो को। और हाँ, हम कुछ भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करिए, बट जैसा है सरप्राइज, अगर सब क्योंकि एक्सपेक्टेशन में आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो मैं वो नहीं, देखते रहिए शो हमारा।